पाकिस्तानी सैन्यानं नियंत्रण रेषेवर सुंदरबनी सेक्टरजवळ गोळीबार करत शस्त्रसंधीचं उल्लंघन केलेलं आहे. पाकिस्ताननं केलेल्या या भ्याड हल्ल्यात 2 जवान शहीद झाल्याचंही कळतंय. रायफलमॅन विनोद सिंह आणि जॅकी शर्मा अशी शहीद झालेल्या या जवानांची नावं आहेत. भारतीय लष्करानंही या गोळीबाराला चोख आणि जशास तसं प्रत्युत्तर दिलेलं आहे. पाकिस्तानकडून पुन्हा एकदा शस्त्रसंधीचं उल्लंघन झालंय आणि या संदर्भात आणखी सविस्तर माहिती देण्यासाठी आपल्या बरोबर आहेत आमचे प्रतिनिधी राजीव केनी. राजूजी, क्या अभी हालात है और क्या अपडेट्स है वहां से? देखिए, पाकिस्तान की तरफ से इस इलाके में सुंदरबनी सेक्टर के केरी बटल इलाके में कल शाम को जो है सीज फायर वायलेशन जो किया गया, उस सीज फायर वायलेशन का भारतीय सेना की तरफ से भरपूर जो है जवाब भी दिया गया. लेकिन बदकिस्मती ये रही कि उसमें 2 सैनिक जो है वो जो कल घायल हुए थे वो आज जो है उनकी शहादत की खबर जो है सुबह मिली. हालांकि रात भर पाकिस्तानी गोलाबारी जो है वो चलती रही और उसके जवाब में भारतीय सेना ने भी कार्रवाई उसी तरीके से की. जो खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक पाकिस्तानी सेना को काफी नुकसान पहुंचा है इस जवाबी कार्रवाई में. लेकिन भारतीय 2 सैनिक जो है जो की जम्मू के ही रहने वाले हैं वो इसमें जो है इस पाकिस्तानी कार्रवाई में जो है वो शहीद हो गए हैं. हालांकि अभी रुक रुक कर जो है फायरिंग इस इलाके में जारी है, लेकिन जिस तरीके से इंटेंसिटी कल थी वो अब नहीं है. राजू जी, शुक्रिया ये सभी जानकारी के लिए. राजू केनी हमसे प्रतिनिधि आपल्या बरोबर होते. पाकिस्तानकडून शस्त्रसंधीचं उल्लंघन होत पुन्हा एकदा असा भ्याड हल्ला करण्यात आलाय. मात्र या हल्ल्यामध्ये 2 जवान शहीद झालेत. फ्री 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.